हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? होप आपको जो पिछली वीडियो थी जयपुर वाली वो बहुत अच्छी लगी होगी। और जयपुर से हम लोग वापस आ गए और आज है 15 अगस्त। मुझे पता है कि ये वीडियो 15 अगस्त को नहीं आएगी, कुछ दिन बाद आएगी, पर आपको दिखाता हूँ कि हम 15 अगस्त को क्या कर रहे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं गल्लो हम। ये देखो हम बना रहे हैं, मतलब बनी बनाई पतंग को हम लेके आए हैं। हम लोग पतंग लेके आए हैं और उसे हम उड़ाएंगे अभी। और श्वेता मांझा पकड़े हुए है और चेतन बांध रहा है इसमें से देख के, यूट्यूब पैसे देख के। और चेतन अभी बांध रहा है उसको देख के ना, उसकी कन्नी बांध रहा है कि एग्जैक्ट कन्नी बन जाए। ये हमारी 3 पतंग है। और उसको भी बैठा है, वो सोच रहा है कि ये लोग करने क्या वाले हैं। तो ये अभी कन्नी बांधेंगे। ये देखो तो जब तक चेतन कन्नी बांध रहा है, गोली और मैं मस्ती मार लेते हैं थोड़ी सी। मैंने मस्ती मारने के लिए कहा था, मुझे मारने के लिए नहीं कहा था। बदमाश। ये बांध दी हमने पतंग में कन्नी। और अब हम इसमें मांझा लगा देंगे और फिर उसके बाद अपनी पतंग हो जाएगी रेडी उड़ने के लिए। और फिर हम लोग उड़ाएंगे जब तक चेतन दूसरी पतंग भी रेडी कर देगा। हाँ, ये बांध दी हमने और इसमें ये मांझा बांधने लग रहे हम लोग। ये बांध दी और ये भी मांझा भी बांध दिया। अब उड़ाएंगे पतंग। वैसे हवा नहीं चल रही ज्यादा, पर फिर भी मेरे को लगता है उड़ जाएगी। देख गोली है, समझदार बच्चा। अब मांझा पकड़ रहा है, उड़वा दे चाची के साथ। मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं एक साइड से ना पतंग को पकड़ता हूँ उस तरफ जाके, और हाँ वैसे ही उड़ेगी क्योंकि हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। ले मैं पकड़ता हूँ। दे श्वेता, मैं वहाँ से ऐसे ऐसे करूँगा, फिर करिए। नहीं वो दूसरी की बांध रहा है ना, इसकी मैं करता हूँ। तो हट जा, हट जा। बहुत पतली है, बहुत पतली है यार। पहले पूरा धागा छोड़ ले अच्छे से। ये तो यार ना डंडी ने बाहर लिकड़ आऊंगी यार। नहीं अभी तो और ज्यादा छोड़ती रह, जब मैं बोलूँ ना, जब तो बेकार हैं कागज वाली। असली तो भाई पन्नी वाली में मजा आवे। ठीक है मैं करूंगा। अपना हाथ नीचे कर ले थोड़ा। हाँ कर कर कर। ओहो मेहनत करनी पड़ेगी। दे तू करिए, मैं करता हूँ। हाँ 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 गोली हाथ हटा ले, गोली हाथ हटा ले। हाँ छोड़। अरे ओहो मुश्किल है, चल नहीं रही। अरे यार ये हो ना, यो पिटेगा। कोशिश तो बहुत कर रहा हूं मैं, पर ये उड़ नहीं रही। देखते हैं, कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पर ये मुश्किल लग रही है क्योंकि हवा बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं चल रही और मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ पतंग उड़ाने में, मेरे से ज़्यादा तो चेतन है।
मुझे लग रहा है चेतन कन्नी भी थोड़ी गलत बंदी है, देख यहाँ तक आनी चाहिए ये, देख सुन रहा है, अब दूसरी बांधे ना तो देख यहाँ तक आनी चाहिए, देख देख लेने, देख यहाँ टेढ़ी आ रही है, इसकी सीध माना चाहिए, यहाँ सीध होनी चाहिए, किया था। आ जाओ रे ने, या तोड़ते हो सीनरी। ओ स्कूबी, ए भी आ लिया। अरे या तो एकदम आवे नीचे। इसकी कन्नी सही ना बंद रही, सही ना बंद रही भाई, इसकी कन्नी मैं दोबारा बांधूंगा अभी जब ठीक होगी है जाके कहीं। एक तो एक कबाड़ी, ये देखो यो भी तो है एक स्कूबी भी, इसके ये लग रही है फंस जा, मैं इसमें पाड़ दूं तेरा, तेरी भी दुनाई होगी स्कूबी, हट जा स्कूबी। भाई पतंग तोड़ी नहीं पर हम लोग हो गए पसीना पसीना, तो हम तो आ गए नीचे, हवा ही नहीं चल रही बिल्कुल भी, हवा नहीं चल रही टोपा भी, तो हम तो भाई नीचे आ गए। तो अभी रख देते हैं पतंग शतंग अपनी, बंद तो गई है तो जिस दिन हवा चलेगी उस दिन चलाएंगे। तो भाई पतंग तो उड़ी नहीं मारी पर हम नहा धो लिए क्योंकि इतनी गर्मी और उमस है ना, अंधेरा अंधेरा हो गया, मैं बिल्कुल काला काला दिख रहा हूँ। तो अब हो गया लगभग रात हो गई है, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। अपना क्या है कि घर पे होते हैं ना तो 100% हम शनिवार को मंदिर जाते हैं, और आप लोग भी जाया करो कम से कम एक दिन तो मंदिर, 100% जाना है, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं और हमारे जैसी विचारधारा वाले लोग भी मिलते हैं वहाँ पे। अंधेरा हो गया, मंदिर में ही दिखाऊंगा सीधा। तो लो भाई आ गए हम अपने सोसाइटी के मंदिर में, कितना सुंदर मंदिर है, बिल्कुल सीधा नंदी जी के दर्शन हो रहे हैं और अंदर भोले बाबा के, और ये भाग लिए दोनों विशु और गोली, और इस साइड ये शनि मंदिर भी बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये भाई बिल्कुल हमारी सोसाइटी का नया मंदिर है, जैसे मैंने कई वीडियोस में भी दिखाया भी है, और ये बिल्कुल चालू हो गया है, सारी की सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और ये देखो भोले बाबा जी के दर्शन कर लो, हर हर महादेव, और ये दोनों बच्चे जा चुके हैं अंदर और दर्शन कर रहे हैं महादेव जी के, बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई मंदिर का, और ये शनिदेव जी के दर्शन, जय शनिदेव। चलो आपको पास से दिखाता हूँ कि कैसा है मंदिर शनिदेव जी का। आवाज मत करो, प्रसाद का ये पकड़ो ना, नहीं बेटा उसको मत छेड़, इधर आ जा तू। तो लो भाई भगवान शनि देव जी के तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं शिवालय के अंदर, और ये नंदी जी को प्रणाम सर्वप्रथम, और ये देखो कितना सुंदर शिवालय है, और ये दोनों के दोनों मतलब जहाँ जा रहे हैं ना उसी जगह परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की, और ये दर्शन करके ना अब हम लोग आ गए हैं बाहर, और अब चलते हैं भाई घर की तरफ, और आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, और शायद जब तक हमारी पतंग उड़ भी जाए, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम।